हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। बाड़मेर के अंदर वैसे कृषि महाविद्यालय है लेकिन नाम का है ना, यहाँ कोई फैकल्टी है ना संसाधन है ना ही बच्चों के काम करने के लिए प्रयोगशालाएं बनी हुई है। आखिर कृषि वैज्ञानिक तैयार करने का ये नया तरीका बाड़मेर के अंदर सरकार ने ढूंढ लिया है। ये जो है कभी कहते हैं सरकार के अंदर है, कभी के संस्था के अंदर है, कभी कृषि महाविद्यालय इसको एडॉप्ट नहीं कर रहा है। अर्थात बाड़मेर का कृषि कॉलेज लावारिस स्थिति में किसान भवन में चल रहा है। हालांकि इनके लिए गेहूं रोड पर कृषि महाविद्यालय बना है लेकिन आज तक इनकी स्थायी फैकल्टी यहाँ नियुक्त नहीं की गई है। ना तो इनको पढ़ाने वाले हैं, ना इनके बैठने के लिए जगह है, ना सुविधाएं हैं। किसानों के लिए कृषि मंडी के पास बने किसान भवन के अंदर पिछले 3-4 साल से जब से स्वीकृत हुआ है कृषि महाविद्यालय बाड़मेर मुख्यालय पर तब से वहाँ संचालित हो रहा है। अस्थायी तौर पर उन लोगों को वहाँ लगाया जाता है वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में। यहाँ के कॉलेज के लोग जो कि कृषि महाविद्यालय से संबंधित नहीं है, न पढ़ाने वाले हैं, न एक्सपर्ट है, ऐसी किसी भी फैकल्टी को लगा दिया जाता है जो काम पूरा करता है। हालांकि यहाँ परीक्षा लेने के लिए लोग आते हैं यूनिवर्सिटी की ओर से, कॉलेज आयुक्तालय की ओर से, लेकिन यहाँ पिछले लंबे समय से एक व्यक्ति जो प्रधानाचार्य के रूप में यहाँ जिम्मा संभाल रहे थे उनको भी काम के लिए कभी बाहर जाना पड़ रहा है, कभी डाक लेके जा रहे हैं। इनको पढ़ाई के लिए किसी प्रकार की कोई फैकल्टी की व्यवस्था नहीं है। कई बार तेजल मीडिया ने खबरें उठाई किसान भवन के जो पढ़ रहे हैं बच्चे उन विद्यार्थियों की पीड़ा को भी पहुंचाना की कोशिश की, लेकिन आज जो है ये किसान भवन में जो कृषि महाविद्यालय बाड़मेर का चल रहा है उनके विद्यार्थी आपको ताज़ा तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये जिला कलेक्टर के पास पहुंचे हैं यहाँ ज्ञापन देने के लिए, अपनी बात को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जो है बड़े बड़े भाषण देने वाले ध्यान दे रहे हैं इन विद्यार्थियों पर, नहीं यहाँ का प्रशासन इन पर ध्यान दे रहा है क्योंकि कॉलेज एजुकेशन मामला अलग है, ये कृषि जो महाविद्यालय है ये अलग है, यहाँ की फैकल्टी जो पढ़ा रही है उनका इनके कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अस्थायी तौर पर किसी को भी यहाँ भेज देते हैं, जब भी बच्चे विरोध करते हैं हड़ताल करते हैं अस्थायी तौर पर किसी को यहाँ लगा देते हैं। राजकीय महाविद्यालय जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके किसी भी प्रोफेसर को, सहायक प्रोफेसर को यहाँ लगा देते हैं और इतिश्री कर लेते हैं। आज तक इन बच्चों के क्लासें समय पर नहीं हुई, ना इनका पाठ्यक्रम पूरा हुआ, ना प्रायोगिक कार्य इनके हो रहे हैं। आखिर ये बच्चे एग्रीकल्चर में बीएससी करने के बाद कैसे कृषि वैज्ञानिक बनेंगे? बड़ी बड़ी भर्ती हैं, बड़ा बड़ा दावा, लेकिन दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें कृषि महाविद्यालय बाड़मेर के विद्यार्थियों की है। गेहूं रोड पर विद्यालय बन रहा है, महाविद्यालय वहाँ तैयार हो रहा है लेकिन फैकल्टी संसाधनों के अभाव में और अब पूरा नहीं हुआ है इसलिए वहाँ शिफ्ट नहीं किया गया है। केवल मात्र एक जो है इतिश्री की गई है किसान भवन के अंदर। इन बच्चों की भी आप पीड़ा सुने, तेजल मीडिया की खबर जिनके पास जा रही है, बाड़मेर के जनप्रतिनिधि, यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी, कॉलेज आयुक्त, इन बच्चों की पीड़ा भी सुने क्योंकि आने वाले समय के यही वो कृषि वैज्ञानिक है जो इस देश का भविष्य निर्माण करेंगे। किसानों के जो आमदनी है, किसानों के लिए फसलें बोने का काम है, दवाई वितरण का है, कृषि की जो उन्नत किस्में हैं वो सारा काम यही सिखाने वाले हैं। लेकिन यहाँ नाम के लिए थार के धोरों के अंदर बड़ी बड़ी फसलें हो रही है, अनार हो रहा है, यहाँ जो है अंजीर की खेती हो रही है, लेकिन हमारे विद्यार्थी इस कदर यहाँ अंधेरे में रखे जा रहे हैं जहाँ उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ाने वाली फैकल्टी उपलब्ध नहीं है, संसाधन उपलब्ध नहीं है, प्रायोगिक कार्य इनके नहीं हो रहे हैं। आखिर इनका भविष्य अंधकार में है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। लोग अपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं लेकिन कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में जनप्रतिनिधि इस बात को उठाएंगे, प्रशासनिक अधिकारी कॉलेज की विजिट करेंगे, नया जो भवन बन रहा है गेहूं रोड पर उनमें कॉलेज शिफ्ट होगी और इनके लिए ताज़ा फैकल्टी भी आएगी जो इनको पढ़ाई में मदद करेगी। लेकिन इनकी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि
ये जो कृषि विज्ञान के जो बच्चे होते हैं उनकी 12वीं के बाद में परीक्षा होती है, मेरिट के आधार पर कॉलेज आवंटित होती है। अधिकांश विद्यार्थी हो सकता है बाड़मेर जिले के नहीं हो, इनकी जान पहचान नहीं हो, राजनीतिक रसूख नहीं हो, इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये विद्यार्थी है, पढ़ने वाले हैं, हमारे देश का भविष्य है और कृषि में नवाचार करने के लिए यही जो विद्यार्थी है आगे कृषि वैज्ञानिक बनने वाले हैं। इनकी पीड़ा सुनो सरकार। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।